नहीं कर रहे तो आप भी टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट से जाए प्री बुक कर ले अमेजोन पे, और उसके बाद नार्जो 60 Pro 5G ये डिवाइस आप बड़े आराम से परचेज भी कर सकते हैं। तो प्री बुक करने में मेरे अनुसार कोई ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, आप फटाफट से बुक करके, की जरूरत उन्हें पड़ने वाली। दो खिलाड़ी हैं अलग अलग डायरेक्शन में हल्का सामने जाते हुए देखने को मिल जाएंगे, और ये चीजें थोड़ा डिफिकल्ट होती हुई। आर्कलिन डाउन हो चुके हैं, स्लग एंड निंजा बॉय दोनों के दोनों प्लेयर स्प्रे देते हुए, लेकिन निंजा बॉय आर्कलिन को बचाने के लिए जाना पड़ेगा, बट बच गए, इट सीम्स लाइक बच गए। स्लग इज देयर सो द रिवाइवल इज गोना बी डन, फ्रैग निकल गए, ग्लैडिएटर्स का स्क्वाड भी एलिमिनेट होता हुआ। एक और शॉकर इस लॉबी में आज के दिन पे मेरा मार के मुकाबले में, बैक टू बैक शॉकर्स पे शॉकर्स मिल रहे हैं, दोनों खिलाड़ी जा चुके हैं और अभी आर्कलिन को नहीं बचा पाए, एकमात्र खिलाड़ी बचे हुए हैं वहां से। मेडल ईस्पोर्ट्स की बात करें, एनकोर एंड टॉप डॉग दो खिलाड़ी बचे हैं, चार टीम्स बची हुई है हमारे सामने, और अब आखिरी 12 खिलाड़ी मेडल ईस्पोर्ट्स टू मैन सर्वाइविंग, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स भी एलिमिनेट होती हुई। जनता के लिए मुश्किलें ना बढ़े उसका ध्यान रखा, बात करना चाहूंगा, स्प्रे काफी बेहतर कंट्रोल में देखने को मिला, कनेक्शन भी देखने को मिला ब्लाइंड के प्लेयर्स अगेन फाइट में, और ये जब फाइट में आते हैं तो नतीजा बहुत जल्दी अपने तरफ लेके भी आते हैं, और आप नॉक के बाद देखिए स्लैमिंग करने का भी यहाँ पे डिसीजन लिया गया, एस पावर की तरफ से उन्हें कंफर्मेशन करने का ट्राई किया जाएगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता उन्हें बचाना पॉसिबल है, बड़े आराम से वहाँ पे ब्लीड आउट हो जाएंगे। एस पावर अपना खाता खोलेंगे, इनफैक्ट ब्लाइंड का भी यहाँ पे खाता खोल चुके, अब बात है कि और फिनिशेज के लिए जाएंगे या फिर आगे बढ़ने का प्लान है। जी नहीं पता है कि अब थोड़ा ज्यादा आउट नंबर है, और कितना ज्यादा एग्रेसिव दिखाया जा रहा है मानिया, ऐसे तो ना करें आप कि अपोनेंट को वो मौका भी ना दे आप लूट करने की, आपके पास गन है, आप काउंटर अटैक आएगा, इस पावर भी यहाँ पे टेक डाउन कर दिए गए जोकर, क्या यहाँ पे क्लच हुआ है। जी हाँ, दो दो फिनिशर यहाँ पे एक एक खिलाड़ियों की तरफ से निकाले जाएंगे, एग्रेशन जरूर इस बार देखने को मिला, लेकिन ये मवी का इलाका था जहाँ पे अपने प्लेयर के साथ वो तैनात खड़े थे, और आपका एक अच्छा स्वागत यहाँ पे करते हुए टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स। साथ देना चाहेंगे यहाँ पर निंजा बॉय ने जो डैमेज दिया था, पर देखिए पहले भी ऐसे सिलसिले हो चुके हैं, पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहां पर जब भी पहला खिलाड़ी अगर मान लीजिए ब्लाइंड का अगर सपोज निकाला भी होगा ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने, तो उनके पीछे पड़ जाती है यहाँ पर टीम ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स, लेकिन अभी के लिए ये जो पलटवार था 1999 आप यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे, अमेजोन पे ही गाइज ये अवेलेबल रहेगा। लेकिन साथ ही साथ गाइज सबसे रिक्वेस्ट है, मेक श्योर आप इतना अमेजिंग सा टूर्नामेंट विटनेस आप देख पा रहे हैं, अब थ्रस्ट के द्वारा ये लाया गया है यहाँ पर, काफी हमारे कमाल के पार्टनर भी यहाँ पर आ रखे। लेकिन चलिए पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर फाइट की टीम गॉट लाइक, जो कुछ देर पहले नजर आ रही थी हमें यहाँ पर चार्जेबल कंटेनर की तरफ, शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, मुझे लगा था शायद टीम गॉट लाइक कोशिश करेगी सर्कल के एक्सेस पाने के लिए। एक जनता से दरख्वास्त है कि आप आ जाए अगर आप मैचेस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एंजॉय तो आप करना ही चाहते, कहाँ एंजॉय आप भंग करना किसी को पसंद नहीं है, तो फटाफट से आप आ जाए। बट ये जो ग्रेनेड है क्या कनेक्शन बना पाएगा, जी नहीं, सामने स्लैमिन आ रहा है मजबूरन, इनको गन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, एक खिलाड़ी को डाउन कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाए, वहां पे निंजा डाउन कर दिए गए, मवी बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल पे जहां से कवर फायर देना नेक्स्ट इम्पॉसिबल, और अब चली को भी यहाँ पे डाउन किया जा चुका है, जो कि माइटी का वो ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा क्लोज साबित हुआ, कन्फर्म भी कर दिया जाएगा 20 की तरफ से, मतलब मौका ही नहीं मिला, एडमिनो दूसरी तरफ डाउन हो रहे हैं, मैक्स यहाँ पे ट्राई करेंगे कमबैक कराने की कोशिश करेंगे, बट मैक्स को भी कंफर्म करेंगे, ओआर की टीम 13वें स्थान पे इस लॉबी से बाहर कर दिए जाएंगे, काफी अच्छा प्रयास था लेकिन संभल पाई नहीं उस पूरे फाइट में, 12 टीमें की तो फाइट करके एवरेज मेंटेन करें या फिर आप फुल ट्राई करें उस चिकन डिनर के लिए, लेकिन दो खिलाड़ी के साथ चिकन डिनर इस तरीके के सदर आइलैंड में बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स इनसे आप यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं, आप काफी अच्छे खासे यहां पर जो रिवॉर्ड्स हैं यहां पर लोगों में जो आपको मिलेंगे, खाली लोगों में ही मिलेंगे। जी हां, तो उसके लिए आप मेक श्योर कल भी जब से आप आएंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा वो रिवॉर्ड्स, बट फिलहाल के लिए यहां पर हम बात करें वो रिवॉर्ड के रूप में जो फ्रैग्स मिलने वाले हैं टीम वेलोसिटी गेमिंग और सामने ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का चैलेंज अभी के लिए यहां पर नीचे बहुत नजर आ जाएंगे, लेकिन अभी ये जो निकाला है फायर पंक सर रहेगा कि मान लो अपने आप को तो सर्वाइव कराते नजर आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ टीम हैदराबाद हाइड्रास उनका एलिमिनेशन देखने को मिलता नजर आएगा, इमॉर्टल विदाउट हीलिंग ये क्या कर बैठे, शायद मेरे ख्याल से हील करते तो बेटर रहता, बट फिलहाल ध्यान गया पर मावी ऐसा लग रहा है, बट अगर ये क्लच आकर आ जाता तो मावी यहां पर पूरी वेलोसिटी को आप वाइप आउट करके नजर आते, लेकिन अभी भी बचे हुए उम्मीदें बची हुई, तो कोशिश यहाँ पर थी गॉर्जियन की, वो मौका देख रहे थे और मौके का फायदा अब शायद मिल सकता है उनको। देखिए गॉर्जियन को तो यहाँ बहुत बेनिफिट मिलेगा, तीन तीन प्लेयर्स नॉकआउट पड़े हैं, पंक को एलिमिनेट कर जाएंगे तो वो तीन नॉक के जो फिनिशेस हैं वो ग्लोबल स्पोर्ट्स को मिल सकते हैं, बिकॉज उनका आखिरी प्लेयर अभी भी सर्वाइव कर रहा है, बट पंक की एचपी ऑलरेडी कम हो चुकी है, हील करना पड़ेगा, क्या उससे पहले की तरफ जाएंगे, दोनों ही चीजें मुश्किल, और ये फिनिश ही ले गए हैं, सिंप ने वहां पर उन्हें डाउन करा, वेलोसिटी गोज डाउन, चार फिनिशेस आने चाहिए उसमें से दो
चुरा लिए गए हैं कहीं ना कहीं। देखते हैं ब्लाइंड की लेट रोटेशन आती है, बड़े इत्मीनान से लूटते हैं और उसके बाद वो सर्कल की तरफ बढ़ते हैं और इस दौरान काफी अच्छे मैचेस भी हुए। बट चलिए पहला फाइट यहाँ पे जो बहुत समय से हम वेट कर रहे थे वो यहाँ पे देखने को मिला। माइक रूजी मैं बोल रहा था लॉन्ग में डिफिकल्ट होगा बट प्लेयर खुद क्लोज में चल के आया तो उसका भुगतान। क्या डार्क गॉड धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं। आई थिंक यस क्या रिवाइवल मिल जाएगा। आई थिंक यस ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने यहाँ की थर्ड पार्टी कहां से एंट्री लेनी ठीक समझी है और चलती गाड़ी से निंजा बॉय को नॉक एंड फिनिश कर दिया जाएगा। उतरे हैं डर के मारे और एस पावर आई थिंक बड़े आराम से, कितने आराम से मान्य के लिए कितना आसान सा लग रहा है। वो कहां देख रहे हैं उन प्लेयर्स को शायद उतना आइडिया नहीं। और जंप इन करके एक नॉक दूसरा नॉक ये अच्छा जरूर था। स्लग के यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैं कहूंगा प्रयास करते हुए दोनों फिनिशेस सिक्योर कर सकते हैं। उनकी एचपी कम है बट क्या विक्ट्री कर सकते हैं इस पावर को। ओ माय गॉड स्लग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन बट ये ब्लाइंड ऑफिशियल के अगेंस्ट में आज के दिस करके ब्लाइंड को एलिमिनेट किए थे बट इस मैच में तो अकेले ही आके ये चीजें पॉसिबल कर दिए। बट थर्ड पार्टी आ चुकी है अभी अभी तो इन्होंने क्लच किया थोड़ा तो एंजॉय डिजर्व करते थे लेकिन इस थर्ड पार्टी ने जरूर से चीजें खराब कर सकती है। ट्राई कर रहे हैं स्पॉट करने की कोशिश डैमेज दिया जाएगा लेकिन नॉकआउट करने के लिए वो काफी नहीं है। बॉली भी यहां पे जरूर है थोड़ा टाइम ले रहे स्टेज से ऊपर आना आसान नहीं होता जब प्लेयर के पास वो डीबीएस हो तो यूटिलिटीज के ऊपर गए हर तरफ बॉली हर तरफ आग आगे जाएंगे तो आग में पीछे जाएंगे तो आग में बट जैसे तैसे करके अपने आप को वहां से संभाले रिकवर करने के लिए वो फर्स्ट एड नहीं है वो बैंडेजेस नहीं है पीछे हटने का डिसीजन लिया गया। अगर कुछ क्रेडिट्स को लूट पाए तो बेहतर होगा इनके लिए वरना आई थिंक सफर समाप्त हो सकता है इनका। क्रेडिट का ऑप्शन था राइट में लेकिन उस तरफ ना जाके इन्होंने होल्ड करना बेहतर समझा अपने खिलाड़ी को तो एटलीस्ट रिवाइव दे दे। जी हाँ चलिए वहां पे वो रिवाइवल फाइनली होता हुआ देखने को मिल जाए क्योंकि ध्यान जो है इनसेन का कहीं ना कहीं वो जो WSB की टीम है इनके पीछे भी करेंगे। सिंप यहाँ पर अपनी AKM से अच्छा खासा डैमेज देना चाहेंगे। बढ़िया प्रोन शॉट है इस खिलाड़ी का बट अभी भी क्वेश्चन स्लग को यहाँ पर सिक्योर करनी पड़ेगी। एक और फटका DBS का सिंप और स्लग का ये डुओ डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं WSP पे भारी पड़ सकता है। ये नेड अंदर जा रहा है बट शायद उतना डैमेज ना भी थे। 1v1 की बैटल रहेगी कि और फिनिशर्स निकाल पाएंगे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए। स्लग एक नया खिलाड़ी एक अच्छा मौका क्लच के टाइम पर यहाँ पर हटाया नहीं जाना चाहिए था बट मार दिया यहाँ पर WSB को लॉबी से बाहर करा एंड स्लग बढ़िया क्लच बिल्कुल एक बेहतरीन क्लच वहां पे हमें देखने को मिला स्लग के तरफ से। एक फनी मूवमेंट था बट स्टिल अच्छा वहां पे डिसीजन लिया गया और एलिमिनेट हो जाएंगे यहां पे रेवेनेंट। ये अच्छा मैच अभी तक के लिए चल रहा है बहुत सारी फाइट्स हो रही हैं। सर्कल थोड़ा सा अनयूजुअल था नए प्लेयर्स को अच्छा करते हुए हम जरूर से देख पा रहे हैं बट उधर स्लग को फिलहाल के लिए नॉक कर दिया जाएगा फिनिश हो जाएंगे गमला के उस बेहतरीन स्प्रे से बट इस बार सिंप बची है। दो क्लच हम ऑलरेडी देख चुके हैं बट अब वो खिलाड़ी शायद सर्कल के अंदर ना भी जा पाए ऑलरेडी वो पिन हो चुकी है। एंटिटी गॉड इनके नाम के आगे इस तरीके का गॉड लिखा था जॉड लेवल ये खिलाड़ी जरूर बिकॉज ऑलरेडी एंटिटी टेबल में एक बढ़िया स्पॉट पे ऑलरेडी एक बढ़िया चिकन की तरफ बढ़ रहे थे वो प्रिंस ने उन्हें क्लच कर दिया वरना वो बड़ा चिकन जरूर हो 25 पॉइंट के आसपास एंटिटी उस मैच से सिक्योर कर। खास बात है सोमराज की एंड गेम में इनके चार प्लेयर सर्वाइव करता है बिल्कुल ये एक ऐसे अजेले जो जितने वर्ड्स आपने बोले ये ऑलरेडी प्रूव करके हमें दिखा चुके हो और फिलहाल एंटिटी की बात करें तो अभी भी पता क्या बोलेंगे मुझे क्या मेरे पास तो ट्रॉफी है वो सबसे बेस्ट था। ट्रॉफी यहाँ पे बात करें वो जरूर से यहाँ पे उन्होंने साबित किया तभी वो ट्रॉफी उनके पास